आप पिच देखोगे हाँ। तो उन्होंने बोला है हाँ। कि आपकी कैटेगरी इतनी इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट्स आपके अच्छे हैं, आप बंदे अच्छे हो, मैराथन रनर हो, मल्टीपल बिजनेस चलाते हो, इसलिए हम आउट। एक फील आ रहा है कि आई थिंक वो उतना जितना तरीके से बाहर आना चाहिए था इन द वीडियो, इट डिडंट कम आउट। हमारा एपिसोड शार्क टैंक ने डाला, वी गॉट ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन व्यूज, जहां अनुपम वाज अननेसेसरी क्रिटिसाइजिंग द प्रोडक्ट और ओट्स एज अ कैटेगरी। Also marathon runner. So, aap aise, how much consumption of Fit and Flex is there in your life? Eventually, I wanted to give India a better product. Hi everyone, welcome back to Level Up with Anuna, where we take you one step ahead with every conversation of ours. And aaj ka episode was one such step ahead, because aaj the hamare saath Mr. Pathik from Fit and Flex. Fit and Flex and Mr. Pathik ka abhi recently Shark Tank pe episode on air hua tha, jisme bahut social media pe baatein bhi hui hain, bahut controversy aap bol sakte ho. सो आए आज मैंने उनसे उसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है, बिकॉज उनका जो सेगमेंट है हेल्थ रिलेटेड एंड फूड रिलेटेड, ग्रेनोला से लेके पावर ओट्स, जिनको हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल में आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरा इंडियन कंज्यूम करता है, तो वो प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, कितने हेल्दी हैं, एंड जो उनका उनका ब्रांड है फिट एंड फ्लेक्स, वो कितना उस हेल्थ पैरामीटर पे पार कर रहा है, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस उठे थे एंड उसी के आंसर और शार्क टैंक का एक्सपीरियंस आज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू वॉच द फुल एपिसोड. थैंक यू. हाई प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो. सुपर एक्साइटेड टू हैव यू हियर. आई मीन आपका जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स फिट एंड फ्लेक्स एंड द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव मार्केट में, आई थिंक दिस इज द मार्केट राइट नाउ, और जो लोगों को चाहिए एक कंजम्पशन हेल्थ एंड फूड बेसिकली कॉम्बिनेशन, सो दैट्स वन थिंग दैट इज रियली गुड. एंड सेकेंड ऑफकोर्स आपका रिसेंट एपिसोड जो शार्क टैंक में एयर हुआ है, तो अ लॉट टू टॉक अबाउट, लॉट टू नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लेजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी फिट एंड फ्लेक्स की जर्नी के बारे में. वॉट वॉज योर विजन वाइल स्टार्टिंग दिस कंपनी? So Fit and Flex is a young age brand into oat-based breakfast cereals and snacking products. और ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी 2019 में. The vision was to give India a better products as people are moving more onto health, become a more health conscious. COVID के बाद से तो we wanted to focus on a healthy products. And that was the whole vision, and that we provide oat-based products. Whatever we launch it, it has to be with the oats. Oats is the major yes. ingredients and major of the products. Yes. तो आपके अगर आप जैसे health products के बारे में आप बोल रहे हो, तो पहले तो एक products कौन-कौन से आप specific अगर बता पाओ, so that audience has a better idea. So हमने जब start किया था, so we started with one product with granola. Okay. And later in the last एक आध साल में हमने म्यूजली लॉन्च किया है. वी ऑल्सो लॉन्च ओट बेस्ड नमकिन्स. ठीक है. वी और एक प्रोडक्ट हमने जो वेरी यूनिक फॉर्मेट है मिनी बाइट्स. सो इट्स अ प्योरली इंडल्जेंट प्रोडक्ट. आई ट्राइड द मिनी बाइट्स, इट्स अमेजिंग. मतलब मैं तो बोलती हूँ ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट है डेजर्ट्स का. यस. क्रंच एंड टेस्ट बोथ. सो देयर इज नो हेल्थ फैक्टर अटैच्ड टू मिनी बाइट्स. इट्स प्योरली एन इंडल्जेंट प्रोडक्ट. ओके. बट इट्स अ वेरी यूनिक फॉर्मेट. इंडिया में ये टाइप का फॉर्मेट्स नहीं है. ओके. सो वो एक किया, और अभी हाल ही में हमने एक ओट्स लॉन्च की है. ओके. व्हिच इज अगेन अ न्यू कैटेगरी फॉर अस. एंड या सो दिस आर द प्रोडक्ट रेंज फॉर फिट एंड फ्लेक्स. बट मेरे को एक चीज पूछनी है, ऐसे जनरली क्या होता है बिजनेस की जब हम बात करें, तो हर बिजनेस की एक स्टोरी तो पक्का होती है कि आपने जैसे अगर ये इसको आपकी नीड लगी आपको कि हेल्थ प्रोडक्ट लेके आने हैं या आप ओट्स लेके आए हो, तो आपका क्या रीजन था ऐसे प्रोडक्ट्स और फिट एंड फ्लेक्स को लेके आने का मार्केट में? रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का? सी मेरा बैकग्राउंड इज कॉटन एंड केमिकल्स, राइट? एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो माय ऑर्गेनाइजेशंस. ऑफ कोर्स सबको आगे बढ़ना होता है. एंड आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई. आई वाज लुकिंग फॉर काफी सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किए थे. फूड इंडस्ट्री वाज वन ऑफ देम एंड इट वाज अ सनराइज इंडस्ट्री. एंड मेरे सामने काफी सारे प्रोडक्ट्स रखे गए थे. सीरियल्स वाज वन ऑफ देम, रेडी टू ईट्स अ प्रोडक्ट, फ्रोजन फ्रूट्स, पास्तास, कन्फेक्शनरीज. बट आई थॉट लुकिंग एट 5-10 year vision, I was sure that healthy products is gonna be a market in India.
okay, and people are going to focus on better eating, I'll say, better choices. और ये जो product मेरे सामने रखी गई थी वो I'll tell you it's a Japanese product, okay? Okay. And it was kind of a first love. तब वो product देखोगे तो it was so amazing. I thought boss इसको लाना है. और इंडिया में ऐसी product नहीं थी. Okay, किसी ना Kellogg's के पास थी ना कोई big giants के पास थी. So I thought कि this is the right thing, I should do it. यस वहाँ पे थोड़ी चैलेंजेस थी कि मेरे को इसमें मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली आई वांटेड टू गिव इंडिया अ बेटर प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट फिट एंड फ्लेक्स इज ऑल. वाओ, आई मीन दैट्स व्हाट, अगर एक एक प्रोडक्ट और एक बिजनेस में वो एक फीलिंग और इमोशंस जुड़े होते हैं ना, एक इंटेंशन जुड़ी होती है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो प्रोडक्ट और बिजनेस आगे बढ़ता है. एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी इन योर प्रोडक्ट्स. सो जैसे आपने ग्रेनोला की बात की कि आपने स्टार्ट किया था ग्रेनोला से, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेनोला होता क्या है एंड क्या प्रोसेस होती है उसको बनाने की? सो ग्रेनोला, सी इट्स अ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बट इट इज पोजिशन एज अ एनी टाइम स्नैकिंग, बिकॉज ग्रेनोला को आप ना केवल सिर्फ ब्रेकफास्ट से खा सकते हो बट इसको आप एज अ स्नैकिंग खा सकते हो. यू कैन हैव इट विद द योगर्ट, you can topping as a use it as salad toppings or ice creams. So there are multiple ways you can consume granola. Okay, so usko snacking ki tarah hi position kiya jata hai aur humne bhi snacking hi position kiya gaya hua hai. Aur granola aur muesli, okay, it's a breakfast cereal again. So difference between muesli aur granola ye hota hai ki muesli mein it's a oats are the common ingredients dono ke side, theek hai, but muesli mein it's all about the flakes. You have corn flakes, you got wheat flakes or ragi flakes, etc. Whereas granola में आपको crispies होते हैं. Okay. Now muesli is a toasted product, it's a raw product. Granola को bake किया जाता है. Okay. और वो थोड़ा sweeter होता है compared to muesli. Okay. Yes. Okay. So anything bake is better. Okay. तो sweeter but किस reason की वजह से होता है? उसका format ऐसा है. Granola का format आप देखोगे तो आप muesli को थोड़ा चिवड़ा type का होता है. बराबर है. Granola का format जो होता है वो chunks का होता है. ओके, सो उसको एक स्वीटर फॉर्मेट होता है, ग्रेनोला का फॉर्मेट ही वो है, और इसको चंक्स बनाने के लिए आपको स्वीटनेस यूज करनी पड़ती है. बट अभी मार्केट मतलब इंडिया में जैसे आपने बात किया कि फ्यूचर तो है, मतलब फ्यूचर में पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स हेल्दी स्नैकिंग एंड एवरीथिंग, अभी कैसा मार्केट है सीरियल, ब्रेकफास्ट सीरियल्स की अगर हम बात करें कितना एक्सेप्टेंस है? सो ओवरऑल ब्रेकफास्ट सीरियल मार्केट इंडिया में करीबन 5500 करोड़ का मार्केट है ये. Okay, so it is divided into hot cereals and cold cereals. Okay, hot cereals में आपका oats आ गया, porridge आ गया, okay, all brands आ गए. Cold cereals में आपका आ गया corn flakes, all the flakes, okay, the choco flakes, muesli and granola. And cold cereal is growing almost 11% CAGR year on year. Okay, people are demanding yes. it. Okay, cold cereal और hot cereal में difference I think बस milk cold milk, है ना उसका ही. हॉट सीरियल्स आर यू हैव टू कुक इट, जैसे ओट्स है पॉरिज है ये आपको कुक करना पड़ता है. कोल्ड सीरियल्स में जैसे कॉर्नफ्लेक्स बोला मैंने, चॉकोफ्लेक्स बोला, म्यूजली, ग्रेनोला, वो आपको सिर्फ ऐड करना है मिल्क कोल्ड मिल्क के साथ, यू कैन जस्ट हैव इट. ठीक है, ओके, बट रेगुलर बेसिस पे हम लाइक डेली ब्रेकफास्ट में हम ये कंज्यूम रेगुलर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, सीरियल की तरह ही खाया जाता है इसको. वेस्टर्न कंट्रीज में देखो इट्स अ मेजर ब्रेकफास्ट. ओके, बट सर अल्टीमेटली वो होता तो फिर पैकेज्ड फूड ही है ना उसमें? पैकेज्ड फूड होता है बट नॉट ऑल द पैकेज, दैट्स अ परसेप्शन, राइट? इट्स अ मिथ दैट ऑल द पैकेज्ड फूड्स आर अनहेल्दी, बट इट्स इनकरेक्ट. ओके, इन इंडिया पीपल डोंट हैव टाइम, पीपल आर लुकिंग फॉर अ कन्वीनियंस फूड. ओके, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट बट इट्स अ बेटर प्रोडक्ट आई विल से, और अ बेटर चॉइस यू मेक इट राइट विद दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. So, on-the-go snacking, convenience is now important to consumers. And for that reason, this kind of products are being consumed in a regular basis. मतलब it's like अगर तुम वही packaged food और convenience के हिसाब से snacking कर रहे हो तो these are far better choices. Of course. But आपका process क्या होता है इनको बनाने का? मेरे को एक बार understand करना है so that consumer भी अगर suppose कल कोई oats खाता है तो they know कि how वो packet में कैसे आया. तो आप जब ओट्स बना रहे हो अपने या ग्रेनोला आ रहा है तो उसका उसको उसके प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोक्योर करते हो, व्हाट्स द टेक्नोलॉजी, क्या है, कैसे बनता है वो पूरा? सो जो लाइन हमने सेटअप की है वो इंडिया में फर्स्ट लाइन है. सो मैंने मेरे शार्क टैंक के एपिसोड में बोला था कि सिर्फ चार ब्रांड्स के पास है वर्ल्ड में. सो
मैं थोड़ा उसमें ब्रीफ कर दूंगा आपको कि कैलबी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेनोला मैन्युफैक्चरर, ठीक है, नॉट केलॉग्स और जिंडर मिल्स, ठीक है, ओके, और कैलबी के पास अकेले के पास 11 लाइन है ऐसी, ओके, सो जापान में दिस प्रोडक्ट इज लाइक अ बूमिंग, ओके, इंडिया में साउथ कोरिया और वियतनाम, ओके, एक साथ एक लाइन आई थी 2018-19 में, और इंडिया में सिर्फ फिट एंड फ्लेक्स के पास ये लाइन है. सो ये लाइन आती है बेकर पर्किंग यूके से, ओके, इनकी फर्स्ट लाइन है इंडिया में हमारे पास, ठीक है, और इसका जो यूएसपी है इट्स अ प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी, ओके, सो बेकिंग इज अ यूएसपी. आप हमारी जब प्रोडक्ट देखोगे तो आप जब इसको कंज्यूम करते हो तो उसका जो क्रंच आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओके, वो बेकिंग टेक्नोलॉजी है. सो यहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है दूसरी, उसमें जो बेकिंग टेक्नोलॉजी है, बेकिंग जब प्रोडक्ट जाती है ओवन के अंदर तो ऊपर से और नीचे से बेक किया जाता है, टू साइड बेकिंग होता है, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स बाहर निकलती है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है, एंड दैट्स व्हाई यू फील चुई इन द इन अ प्रोडक्ट, ओके, चुईनेस आती है. फिट एंड फ्लेक्स से जो प्रोडक्ट्स है जिस लाइन पे हम बना रहे हैं, वो जब प्रोडक्ट ओवन के अंदर जाते हैं, इट इज बीन बेक फ्रॉम ऑल 360 डिग्रीज, चारों साइड से, ऊपर से, नीचे से, बोथ साइड से. तो जब प्रोडक्ट्स बाहर हो जाती है, इट्स अ 21 मीटर्स ओवन, आई टेल यू, ओके, एंड इट्स अ स्लो बेकिंग प्रोसेस, ओके, सो स्लोली ये बेक होता है, और जब इसका मॉइस्चर है वो लो लेवल पे लाया जाता है एंड मेंटेनिंग द क्रंच, ओके, सो दैट्स द यूएसपी. और ये क्रंच आप, आई अश्योर यू कि ये क्रंच जब तक आप फिनिश नहीं करोगे अपना बोल, तब तक ये क्रंच नहीं जाता है. That's the USP of our products. Wow. तो जैसे आपने बोला कि ये आपकी एक अकेली टेक्नोलॉजी है Infit and Flex का इंडिया में जो आपके पास है. सो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जो आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो दे आर ऑल्सो हैव, सपोज दे ऑल्सो हैव ग्रेनोला, तो वो फिर कैसे बना रहे हैं उसमें, बस वो जो सेम दो साइड टेक्नोलॉजी आप बोल रहे हो कि हाँ. तो उस ओके सो प्रोसेस इज द सेम, इट्स अ बेकिंग, बेकिंग ही हो रहा है वहाँ पे. इट्स जस्ट द differentiation is the way of making. baking है, but the way of making, आप 360 degree कर रहे हो, आप slow cooking कर रहे हो, और उनका ऊपर और नीचे से होता है, so that's the making में difference आता है, इसलिए crunch जो है comparatively ज़्यादा रहता है. okay, उसका texture भी बेहतर आता है, जो हमारा जो है slow baking में आता है, तो उसका texture बेहतर आता है, और crunch भी extra मिलता है वहाँ पे. okay, but even आप मतलब इतने flavors भी, जितने मैंने आपके देखे Fit and Flex में, you have very unique flavors also. so वो भी technology का है, how do you work on that? so that is where the Fit and Flex is known. Okay, in the market because of our innovative products, not only with the product range but also with the variants we launch. Right now, आप मोस्टली शेल्फ पे जाओगे ना, तो आपको मिक्स फ्रूट मिलेगा या बेरीज का कुछ मिल जाएगा या चॉकलेट मिलेगा. ओके, तो ये सब मिक्स करके एक इतना आता है. Fit and Flex में आप जाओगे तो वी हैव अ सेपरेट बेरीज का एक वेरियंट है, मिक्स फ्रूट तो है ही, चॉकलेट तो है ही, पर हमने एक मैंगो कोकोनट किया हुआ है लॉन्च. Which is very unique. I tried that. Okay. That was crazy. Yeah, and it's one of the best selling SKU for us. But अब मतलब ये जब आप for example एक ये launch flavor launch करने वाले हो, तो उसकी proper पूरी testing होती है. You try it and you taste it and then finally of course there is lot of process goes behind you know developing any single product. Why I'm asking, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि बाकी के brands ये क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं ऐसे differentiated flavors. Accessibility. Okay, consumer आज उनको आदत पड़ी हुई है कि एक फ्रूट्स बेरीज या चॉकलेट्स की. ओके, दे आर नॉट यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट वेरिएंट्स. ओके, एंड दैट्स द रीजन. ओके, हां, तो दैट्स व्हाई वो एक जो इनोवेशन का वो रिस्क होता है. सो कोई भी एक नई ब्रांड आती है, उनको लॉन्च करना है, तो ओके मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन से वेरिएंट्स चल रहा है. सो इट्स अ फ्रूट्स बेरीज एंड चॉकलेट, सिंपल. सो वो ब्रांड भी वो लेके आ जाती है. So we wanted something a differentiator between us as a Fit and Flex brand as competitors. We have to launch innovative flavors. And जो आपने in fact on few of your product I saw कि जैसे dried nuts and seeds आप use करते हो, तो वो fruits हाँ sorry dried fruits use करते हैं आप, right? तो वो dried fruits कितने time तक dry करके रखे जाते हैं, then how do we use it? So that's a good question. So we are the only brand to use freeze dried fruits. Okay. Now ये freeze dried fruits क्या होता है? अपने घर पे सब फ्रीजर में हम ग्रीन पीस रखते हैं, राइट, ओके, सालों साल उसको निकाल के आप उसको पकाते हो और वो फ्रेश होता है, राइट, वी यूज इट. इट्स द सेम टेक्नोलॉजी, IQF, मेक्स सेंस, इंटेंस क्वांटिफाई फ्रीजिंग बोलते हैं उसको. उस टेक्नोलॉजी को फ्रूट्स को फ्रीज किया जाता है, फ्रीज ड्राइंग, एंड दैट इज द फ्रूट वी यूज इट. सो इट्स अ रियल फ्रूट्स, इट इज नॉट शुगर कोटेड, ओके, एंड वी आर द ओनली
brand who use this freeze drying foods. Wow. Yes. Okay. Wow. That's a good आपने example भी अच्छा use किया. That could I could relate कि हम actually मटर को उस पे तो हम question नहीं करते कि हम क्योंकि वो खुद freeze करते हैं and then makes sense. But मेरे को ये भी पूछना आपसे जैसे आपने slow baking की बात की और सारे products baking से बनते हैं अपने cereals and all. How healthy is baking then? मतलब baking पे भी बहुत questions होते हैं. Slow baking होता है. The perception is anything baked is good. Hmm. Okay. When it comes to slow baking, it's much better. Okay. Because it retains your nutritional values, and that is what important. Achha. Yes. It retains your nutritional values. Okay. So अब मैं थोड़ा deep dive करना चाहूँगी जो मेरा favorite and important topic I want to talk to you about was your Shark Tank experience. Yes. First of all, मेरे को आपसे जानना है कैसा when you were going and you were मतलब you had your final interview जो उधर था and the stage setting. तो how was the feeling? How क्या सोच के गए थे? What was your vision that you went to? Frankly speaking, I won't lie. I was very nervous. Okay. और जब मेरा टाइम आया शूट अंदर जाने का ओके व्हेन आई वाज जस्ट एक या दो मिनट बाकी थे मेरे को अंदर लिया जाता है आपको यहाँ पे खड़ा रहना है 40 कैमरा यहाँ पे है आई सॉ बॉस मेरे को कुछ भी नहीं देखना है बिकॉज आई एम ऑलरेडी नर्वस ओके 40 कैमरा सामने यहाँ पे होते हैं सो यू गेट मोर नर्वस ओके 5 शार्क सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो ऑफकोर्स द एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक ओके और जो उनका म्यूजिक है Oh wow, that was a different feeling. अच्छा तो it actually जब आप enter होते हैं वो music play होता है जो हम दिखाते हैं वो music start हो जाता है. It's a full volume पे. So of course it's a proud moment for me to represent Fit & Flex and myself on the national television. So एक side I was very excited, on the other side I was very nervous. I'm sure. But okay, let's start from the start. Process क्या होती है? How आप उधर stage तक पहुँचने के लिए what's the process Shark Tank की? So usually ये process start होती है जून से. Yes. So okay. उनका registration process start होता है first. वो करीबन 8 से 10 page का उनका form आता है. You have to fill it with all your details. Then they scrutinize it. Okay. Once you select, it's दूसरा form link आता है आपका. जहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 28 फॉर्म्स एज फार एज आई रिमेंबर एवरी माइन्यूट डिटेल्स यू नीड टू फिल इट ओके एंड आपका एक 1 मिनट का वीडियो भी भेजना होता है शूट करके एज अ पिचिंग उसके बाद वापस और एक स्क्रूटिनाइजेशन होता है प्रोसेस एंड देन इफ यू गेट सिलेक्टेड यू आर कॉल्ड फॉर फेस टू फेस ऑडिशन अच्छा इससे भी पहले जो टीवी में आता है उससे पहले ओके सो वो ऑडिशन होता है बॉम्बे में होता है दिल्ली में होता है बेंगलोर में होता है मेरा बॉम्बे मैंने सेंटर सिलेक्ट किया था मेरा बॉम्बे में था सो वहाँ पे कौन लेता है देयर बिजनेस एनालिस्ट देयर 3 से 4 बिजनेस एनालिस्ट होते हैं सीएस होते हैं सो इट्स सिमिलर टू द शार्क टैंक जो फाइनल होता है ऐसा ही होता है जस्ट उसमें सिर्फ शार्क्स नहीं होते ओके सो दे आर ऑल एक्सपर्ट्स हु आर सिटिंग देयर एंड सेम प्रोसेस होती है वहाँ पे पिच करना होता है प्रोडक्ट के बारे में उनको टेस्टिंग करवानी होती है दे आस्क यू द क्वेश्चंस उनको जो एक सवा घंटे का वहाँ पे भी चलता है ठीक है एंड देन इफ दे फील दैट दिस ब्रांड हैज अ कैपेबिलिटी उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं इफ दिस पर्सन इज कैपेबल देन आपको शूट राउंड में इनवाइट किया जाता है ओके एंड देन देयर इज अ शूटिंग हैपेंस इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड उसके बाद आपका एयरिंग होता है और फॉर्म में भी मैंने लिखा है दूसरे फॉर्म में भी लिखा था तीसरे में भी मैं जब ऑडिशन हुआ तभी बोला था और पिचिंग में भी बोला था माई फर्स्ट इंटेंशन वॉज आई वॉन्टेड मेंटरशिप ओके सेकेंड वॉज मार्केटिंग एंड थर्ड वॉज द फंडिंग ओके सो आई वॉज वेरी क्लियर बिकॉज Okay, I may be successful in my other business. Food has been a totally untraveled path. मेरे लिए totally नई journey थी. Of course. Okay. And yes, I wanted some guidance from some expert sharks. और इसलिए मैं वहाँ पे गया था. पर what do you think? How did it go? सही बोलूँ तो I think not what I expected. Okay, it could have been much better. But the whole conversation went in a different direction. Yeah. Fit & Flex के बारे में या Fit & Flex के product के बारे में तो हमारी कुछ
हार्डली कुछ बात हुई है. ओके, इफ यू सी माय होल एपिसोड, राइट, मैराथन के बारे में बात होती है वो तो नॉर्मल होती है, ठीक है, चार पाँच मिनट की, बट मल्टीपल बिजनेस के कारण ये सब स्टार्ट हुआ आपका मेरा. फिर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में आई बात वहाँ पे, वहाँ पे सब I think it didn't went well. Yeah, so मतलब जैसे मैंने of course मैंने पूरा episode देखा, so of आपका जैसे the way you started about your कि why you started Fit and Flex जो आपकी journey थी, it started like that और उसके बाद फिर they had a discussion about your different other this thing businesses and everything. In fact जैसे मैंने first of all अगर मैं आपको मैं ये episode को ही bifurcate करूँ तो मुझे पूरा अच्छे से समझना है कि how did it get on air and आपका फिर जो product है मतलब दो एंड रिजल्ट जो 20 मिनट्स का हुआ है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एंड कि जो वहाँ पर शूट हुआ था और जो यहाँ पर एयर हुआ है तो कैसे कैसे वो चीज़ बाहर आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि अगर हम ये अमन की और विनीता की बात करें तो उन्होंने वो इसलिए एग्जिट हुए, उन्होंने इसलिए नो बोला कि बिकॉज आपके ऑलरेडी सक्सेसफुल लाइक यू हैव अ कॉटन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आपने बोला जो 700-800 करोड़ ऑलरेडी आप कर रहे हो उसमें, एंड उसके बाद नाउ दिस इज द अनदर बिजनेस दैट यू आर स्टार्टिंग. सो दो तीन बिजनेसेस ऑलरेडी आप मतलब ज्यादा बिजनेसेस कर रहे हो ऐसे प्रॉफिटेबल है, सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज आप एक ही इंसान चार पांच बिजनेस ऐसे कर रहे हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट. सो या सर, जब विनीता और अमन ने जब ये बात बोला कि हम मल्टीपल बिजनेस है सो वी आर आउट, सो दैट वॉज यू नो I was sad, frankly speaking, because ये दो पे मैंने बैठ लिया था and I wanted these two sharks to come with Fit and Flex. जब मेरे को ऑडिशन में पूछा गया था कि आपको कौन चाहिए इसमें शार्क में से और क्यों चाहिए, तो मैंने विनीता का और अनुपम का ही नाम दिया था. अनुपम का, सॉरी अमन का. ओके, वाई रीजन भी पूछा गया था, वाई विनीता, एक तो एक मैराथन रनर है तो हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं सबके. ओके, सेकेंड थिंग इज cosmetic is the toughest category to be in. Okay, it's not easy to build a brand. Okay, and the way she has built it, it's commendable. Yeah, true. Okay, or FMCG is difficult, I tell you. So I really wanted Vinita to be a part of Fit and Flex. And I tell you, she was interested. If you aap pitch dekhoge to unhone bola hai ki aapki category itni interesting hai, products aapke acche hai, आप बंदे अच्छे हो, मैराथन रनर हो, मल्टीपल बिजनेस चलाते हो, इसलिए आई एम आउट. सो आपने देखा होगा तो मैंने काउंटर किया हुआ है बिकॉज आई फेल्ट आई वांटेड विनीता टू बी अ पार्ट. ओके, अमन को भी चाहिए था बिकॉज अमन भी D2C कर रहा है और D2C वेर आई वांटेड गाइडेंस. सो ये दो शार्क्स पे मेरे बैट थे एंड आई फील लाइक ओके बॉस, आप भी 50 धंधे कर रहे हो ना. हाँ, मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए या मेरे खुद को ग्रो करने के लिए मैं 3 नहीं मैं 10 धंधा करूंगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर बिजनेसेस. ओके, सो दैट्स वेयर आई फील दैट इट वाज ओके, दैट इट वाज अ पर्सनल उनका डिसीजन था बट इट वाज अनफॉर्चुनेट. एंड ओके, एंड द सेकंड पार्ट जहां पे दीपेंद्र एंड अनुपम, इनका मेन था कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो इनफैक्ट अनुपम मतलब जब व्हेन द एपिसोड एंडेड तो ही सेड कि झूठ बोल के मत बेचो. सो इवन इन द ब्रांडिंग पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू बीइंग द ओनर एंड इट्स बीइंग एड ऑन द टेलीविजन, वो लाइन सुन के और जब आपने वो एपिसोड देखा होगा, हाउ वाज द फीलिंग? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी सैड टू हियर दोस लाइंस फ्रॉम अनुपम. इट वाज वेरी अनफेयर एंड वेरी अनरीजनेबल व्हाट ही सेड एट द एंड. ही शुडन्ट हैव सेड दिस थिंग्स बट उनको मैंने रिस्पेक्ट दिए वहाँ पे. ओके, आई वॉज हम्बल, आई वॉज पोलाइट एंड बींग अ शार्क एंड टू द चेयर मैंने उनको रिस्पेक्ट दी थी, अदरवाइज इवन आई कुड हैव काउंटर्ड टू हिम, राइट. एक सेंटेंस नेशनल टेलीविजन पे जोर से बोल के कोई हीरो नहीं बनता है. ओके, अल्टीमेटली आई वॉज नॉट द लूजर, आई थिंक इट वॉज अनुपम वॉज अ लूजर दैट. ओके, एंड he should have been reasonable. Okay, because he criticized unnecessary, first of all. He didn't knew what is fructooligosaccharide is. Jo ingredient pe unhone jo criticize kiya gaya tha. Yeah. Okay, aur mere pack ke piche clearly likha gaya hua ye cheez ki ye product kya hai. Okay, and when wahan pe bhi pucha gaya tha to maine iska jawab diya hua hai.
Okay, so if he doesn't have the answer, he doesn't know what this ingredient is all about, then he has to accept what I'm saying. But eventually he wanted to keep his, you know, wordings on the top. He wanted that, okay, if shark has the last say, finally I can't do anything. तो ओलिगोफ्रुक्टोज जो मेन जो FOS का आपने बताया कि जिस पे ये जो पूरा डिस्कशन एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया, तो मेरे को एक बार समझना ओलिगोफ्रुक्टोज होता क्या है एंड जो आपने प्रोडक्ट मेंशन किया हुआ है प्रीबायोटिक फाइबर है, सो क्या है वो, हाउ डज इट वर्क? सो ओलिगोफ्रुक्टोज को फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं. ठीक है. ओके, इट्स अ मल्टीपल नेम्स. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में इसको FOS बोलते हैं. ठीक है. ओके, इट्स अ प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर. ओके, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से शुगर केन से बनाया जाता है. शुगर केन से? यस, जिसमें शुगर का कंपोनेंट निकाला जाता है, रह जाता है वो फाइबर. ओके ओके, सो दैट इज व्हाई वी गेट दिस प्रीबायोटिक फाइबर प्रॉपर्टीज एंड दैट इज द रीजन वी यूज इट इन आवर प्रोडक्ट्स फॉर अ फाइबर थिंग्स. ओके, तो ये शुगर नहीं होता है, ना ही ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है. सो जो अनुपम ने वहाँ पे बताया था, इट्स इनकम्प्लीटली और कंप्लीटली रॉन्ग, सॉरी आई विल से. ओके ओके, इसका मेन थिंग शुगर स्पाइक होता है, ये होता है, नहीं होता है, बिकॉज इसका GI इंडेक्स जीरो होता है. जीरो? यस, नॉर्मल शुगर जो हम घर पे खाते हैं, जो भी बाहर भी, उसका GI इंडेक्स 68 होता है. FOS का GI इंडेक्स जीरो होता है. सो उसका शुगर स्पाइक होता ही नहीं है. और ये डायबिटिक पेशेंट्स में ये FOS कंज्यूम किया जाता है. इट इज सेफली कंज्यूम. यस, रिकमेंडेड. यस, इट इज सेफली बीन कंज्यूम्ड. ओके, बट इट्स अनफॉर्चुनेट. बट इवन आई सॉ, बिकॉज मैंने आपका जब इंस्टाग्राम देखा था, तो उसमें मैंने कॉमेंट्स पढ़े थे, वे पीपल वर सेइंग कि आपने ये चीज़ वहाँ पर क्यों नहीं मेंशन करी, एंड देन देवर रिप्लाइज कि आपने करी थी बट ये ऑन एयर नहीं हुआ. दैट्स यस इवन. हाँ, सो डिटेल्स में ये बात नहीं होती है. हाँ ओके, बट एक घंटे में काफी सारा डिस्कशन होता है वहाँ पे. अच्छा, एक घंटे का होता है पूरा एपिसोड? ओके, जैसे आपने मेरा दीपेंद्र का जो क्लेम था कि आप लिख के बेचो ना, झूठ बोल के मत बेचो, समथिंग लाइक दैट, राइट? आपने मेरा पैकेट देखा होगा, तो क्लियरली देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी हेल्थ क्लेम्स. जो हमारे प्रोडक्ट में है, जो हमारे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया हुआ है, जो अप्रूव्ड बाय FSSAI है, वही क्लेम्स किए गए हुए हैं. जैसे कि वी गॉट द लोएस्ट एडेड शुगर क्लेम. ओके, लेस देन अ टेबल स्पून ऑफ एडेड शुगर पर साउ. ओके, सेकेंड इज फाइबर्स. ओके, एंड थर्ड इज अ फ्रीज ड्राइंग फ्रूट्स. Right. Okay, these are three major claims. और एक क्लेम लिखा गया हुआ है कि नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. सो हमारे प्रोडक्ट में ये कुछ भी नहीं है. सो दीपेंद्र ने जो क्लेम्स किए थे कि आप सच बोल के बेचो, झूठ बोल के मत बेचो, ये मेरा पैकेजिंग उन्होंने उठाया था, ये वाला. ठीक है. ओके, यहाँ पे कहाँ भी मैंने हेल्दी क्लेम्स नहीं किए. ओके, जो भी प्रोडक्ट में है, मेरे प्रोडक्ट्स में जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है, वही क्लेम किए गए हुए हैं. एंड दीज आर ऑल एज पर FSSAI गाइडलाइंस. ठीक है. ओके, अप्रूव्ड. ओके, जैसे कि लेस देन अ टेबल स्पून ऑफ एडेड शुगर, बराबर है, ये सही है. फाइबर्स ऑफ फोर एप्पल, जो भी है. फ्रीज ड्राइंग फ्रूट्स है. ठीक है. यहाँ पे लिखा गया है नो आर्टिफिशियल स्वीटनर. ठीक है. ओके, नाउ उनका प्रॉब्लम यहाँ पे आया. अनुपम ने बोला कि ओलिगो फ्रुक्टोज आर्टिफिशियल स्वीटनर है. ओके, वो अनुपम ने क्लेम किया, दैट वाज द होल पॉइंट. सो दीपेंद्र ने वो पॉइंट को पकड़ के, और इवन बिकॉज हमने ये टैगलाइन लिखी है, ईट हेल्दी लिव वेल, दैट इज माय टैगलाइन, एंड दिस इज आई टोल्ड हिम एट द शूट जब चल रहा था मेरा एपिसोड, कि दीपेंद्र जी ये मेरा टैगलाइन है. ओके, ईट हेल्दी लिव वेल. ओके, सो इट डजंट मीन कि वी आर क्लेमिंग हेल्दियर और हेल्दी प्रोडक्ट्स. ऑफ कोर्स आई एम सेइंग इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू कंपटीटर्स. फिट एंड फ्लेक्स is much better and a healthier product. मेरे को आपसे उसमें पूछना है, क्योंकि आपने अभी कॉम्पिटिटर्स की बात करी, जैसे आप आई वांट टू सी द प्रोडक्ट. अगर आपने जैसे बोला कि आप थॉट, मतलब आप यू ऑल्सो सेंड मैन्युफैक्चर एंड गिव इट टू काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को भी आप प्रोडक्ट भेजते हो, जो प्रॉब्लम उनका फॉर्मुलेशन आता होगा और उसके अकॉर्डिंग, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें, जो शुगर और जो भी इसका, वो भी ओलिगोफ्रुक्टोज होता है? गुड पॉइंट. नो, ये कोई भी अभी जो बड़े ब्रांड्स, आई विल नॉट नेम इट, कंपटीटर्स बोलूंगा मैं. आप कंपटीटर्स के कोई भी शेल्फ में से प्रोडक्ट उठा लो, बड़े जो चायंस है, और आप उसका एडेड शुगर कंपोनेंट देख लो आप. ओके, इट इज मिनिमम 15-18 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स. ओके, हाउ मच, अगेन आई रिपीट, 15-18 ग्राम पर 100 ग्राम्स. इस आई एम टॉकिंग अबाउट एडेड शुगर. ओके, एडेड शुगर इज अ प्रॉब्लम, नॉट द नेचुरल शुगर, राइट?
फिट एंड फ्लेक्स के प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर इज जस्ट 4.2 ग्राम्स पर 100 ग्राम. सो एक सर्विंग में इट इज लेस देन 1.5 ग्राम, जो लेस देन अ टेबल स्पून ऑफ एडेड शुगर हुआ. राइट. एंड वी आर द ओनली ब्रांड हु टॉक्स अबाउट द हेल्थ. ओके, कोई भी ये कैटेगरी में हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा. हम प्रीबायोटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग हम यहाँ पे लो शुगर की बात कर रहे हैं, हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं, फ्रीज ड्राइंग की बात कर रहे हैं. ऑफकोर्स आई विल से माई प्रोडक्ट्स आर बेटर और ईट हेल्दी लिव वेल, इट्स माई टैग लाइन, मैं लिखूंगा. आज मैगी भी लिख रही है, हेल्थ भी, टेस्ट भी. Eat healthy, live well. Make sense. Make. तो okay, got it. तो आपके ingredients भी अगर मैं देख रही हूँ तो major तो oats ही हैं, and then oligofructose, rice flour, wheat flour. हाँ, तो crispies होते हैं. Yeah. इसका major ingredients oats होता है, crispies होता है और rice flakes, rice puffs होते हैं. हाँ, right. And then it's a freeze drying fruits major. Okay. That's what I'm thinking. अभी मतलब ऐसा एक feel आ रहा है कि I think वो उतना जितना तरीके से बाहर आना चाहिए था इन द वीडियो, इट डिडंट कम आउट. बट आई टेल यू, वी एज अ फिट एंड फ्लेक्स ब्रांड, वी आर टेकिंग दिस एज अ पॉजिटिव. क्यों आपको क्यों इतना क्रिटिसाइज किया? जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था ना, हम तब से मार्केटिंग कर रहे हैं प्रीबायोटिक सीरियल्स, प्रीबायोटिक फाइबर्स, ये सब. ओके, दो साल तक हमने बहुत इसमें मार्केटिंग की. अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर कि प्रीबायोटिक होता क्या है. ओके, अभी बहुत मेरी मार्केटिंग टीम आके बोलती है कि पथिक भाई, प्रीबायोटिक लोगों को नहीं पता चल रहा है, वी शुड स्टॉप मार्केटिंग ऑन प्रीबायोटिक, लेट्स ओनली फोकस ऑन व्हाट इज ग्रेनोला. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन विद द शार्क टैंक एपिसोड, अनुपम ने ये क्वेश्चन उठाया और हमको ये मौका मिला कि वी कैन कम आउट एंड से व्हाट इज प्रीबायोटिक, व्हाट इज FOS. सो इससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ रही है. So if you see, we are not criticizing any sharks, anyone personally, anywhere on our social media or others. We just want to do, we want to pass factual information to our consumers. Consumer तक correct information पहुंचनी चाहिए. कैसे fit and flex products better है. Okay? And this is the platform we got it. Yeah. And that's, makes sense. So we are taking it positively. That's important and actually this is very true. अब labeling की बहुत बात, अब की read labels और ये सब की काफ़ी अब awareness धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे हैं कि पीछे उठा के कि labels, ingredients क्या क्या है and all of that. तो this is very important कि इससे एक चीज़ तो है कि हाँ prebiotic fiber and all of that, आप लोगों को एटलीस्ट एक पता चला होगा. बट मैं अगर आपसे एक ब्रीफ में अगर डिफाइन करवाऊँ कि प्रीबायोटिक फाइबर क्या बेनिफिट देता है, एक बॉडी में क्यों होना चाहिए, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर, आप क्या बोलते हैं? सो प्रीबायोटिक होता है, आर यू हैव सीन प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक? या आई नो दैट. प्रोबायोटिक एक्ट्स एज अ बैक्टीरिया फॉर अ गट हेल्थ. ओके, नाउ प्रोबायोटिक, ये प्रीबायोटिक है, इट गिव्स अ फूड टू अ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रीबायोटिक. ओके, सो इट्स अ चेन. And okay, generally एक इंसान को कितना लेना चाहिए महीने में प्रीबायोटिक, ऐसा कुछ है? So it's a, so maximum we can use 9.5 grams of you know oligofructose in 100 grams. That's the FSSI guidelines. और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमें अगर प्रोडक्ट है कोई स्पेसिफिकली हेल्थ सप्लीमेंट, तो ये अगर हम कोई कंज्यूमर बाय करना चाह जा रहा है तो उसको क्या चीजें हैं ऐसी जो देखनी चाहिए? अरे मेजर चीज देखनी चाहिए, तो आर्टिफिशियल स्टफ्स, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, या कलर, आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है, ठीक है, वो देखना चाहिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज नहीं किए हुए, ठीक है, दिस टू आर द मेजर वंस. ओके, देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ ऑयल्स दे आर यूजिंग. ओके, देन ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल लेबल्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ट्रांस फैट्स देखना चाहिए, एंड द शुगर पार्ट. दीज आर द मेजर चीजें जो देखनी है. एंड आई एम सेइंग नॉट द टोटल शुगर्स, एडेड शुगर. Added sugar is most important. Okay. And in fact, I saw एक और product आपका Power Oats करके. This is something that new that I found. तो Power Oats में and where you are saying कि हमें उसको cook करने की ज़रूरत नहीं है. That's the main thing. So how is it working? आपने कैसे वो different Power Oats का innovation किया है? जो line हमने setup की है, it is quite flexible to make multiple products. अच्छा. Okay. That's line की वजह से जो आपकी machine. That's the beauty of our machinery. Okay. Okay. And baking is the USP, as I said, right? So हमने try किया, चलो कि oats है. Oats आप market में जाओ तो 99% of the oats you need to cook it. हाँ, yeah. Okay, वो ready to eat नहीं है. हाँ जी. So I said let's take one step ahead, कुछ value addition करते हैं. And let's see कि baked oats कैसे आते हैं. Okay. So my R&D team started working on that. Okay. And
कौन सा फ्लेवर्स में जाए, लेट्स मेक इट मोर यू नो नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके, और हाउ कंज्यूमर कैन एंजॉय इट विदाउट कुकिंग, दैट्स व्हाट कन्वीनियंस हमको एक मेजर एक फैक्टर था जो हमको ध्यान में रखना था. राइट. सो वी लॉन्च पावर ओट्स, ओके, विच इज़ रेडी टू ईट, नो कुकिंग रिक्वायर्ड. यू जस्ट एड इट इन टू अ बोल ऑफ मिल्क, एड सम फ्रूट्स इफ यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट कंज्यूम इट. अच्छा जी हाँ. एंड इट कैन बी योर ब्रेकफास्ट सीरियल. ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो ऐड अ स्नैक, आल्सो यू कैन टॉप इट ऑन ऑन योगर्ट और स्मूदीज. बट आपको ऐसे मतलब बिकॉज़ यू इन्वेस्टेड इन द मशीनरी एंड द टेक्नोलॉजी, तो इट वाज लाइक ऐसे फर्स्ट टाइम में व्हेन यू वर इन्वेस्टिंग, आपको ऐसे होता है ना इतना भारी अमाउंट आप डाल रहे हो कि पूरे इनोवेशन में, जो आपने जैसे खुद ही बीच में भी बात करी कि वो इनोवेशन वाला रिस्क नहीं लेते लोग, इसलिए फ्लेवर भी चेंज नहीं करते. एंड यू स्टार्टेड विद द मशीनरी लाइन जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, और वन ऑफ अ यूनिक मशीन है, दैट्स व्हाई आपके पास ही है सिर्फ इंडिया में. तो वो आपको रिस्क लेते हुए ऐसा कभी डर नहीं लगा कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, हाउ मच इट्स गोइंग टू वर्क, कितना एक्सेप्टेंस आएगा एंड ऑल ऑफ दैट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ रिस्क टेकर, ओके, बीट अ कॉटन बिजनेस, बीट अ केमिकल और बीट अ फूड इंडस्ट्री, माय नेचर इज आई टेक अ रिस्क, ओके, एंड आई बिलीव इन पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, ओके. जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने रखी गई थी, आई सेड आई वांट टू गेट इनटू दिस प्रोडक्ट, ओके, और फिर मैंने पीछे बोला कि इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो तब मेरे को पता चला कि इट इज़ फ्रॉम बेकर पकिंग, ओके. आई वेंट देयर, आई स्टेड फॉर वन वीक इन द फैक्ट्री. अच्छा. दो दो दिन पे ट्रायल्स लिए गए, वो दे मैन्युफैक्चर अदर मशीनरीज आल्सो, सो दे गॉट एक्सट्रूडेड लाइंस प्रोडक्ट्स, फिर एक ग्रेनोला की लाइन थी, बेकिंग लाइन थी, और एक सेंटरफिल्ड जेलीज की लाइन थी. सो दो दो दिन मैंने दिए हुए एक एक प्रोडक्ट्स के पीछे, ओके. एंड देन इफ यू सी इट वॉज फैंटास्टिक मशीनरी, ओके, एंड आई सेड नो बॉस लेट्स इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी, इंडिया में नहीं है, इसको लाते हैं. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए लोगों को, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. हाँ, थोड़ा महंगा लगेगा, या बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू विल गेट इट एंड द फ्यूचर जो है आपका देखना, लॉन्ग टर्म विजन जो है वो आपको टेक्नोलॉजी से ही होने वाली है. और ऑफकोर्स देर इज अ रिस्क, और रिस्क तो लेना पड़ेगा. रिस्क है तो इश्क है, राइट? सो रिस्क लिया है, एक अच्छी मशीनरी पर लिया है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी पर लिया है, एक अच्छी प्रोडक्ट पर लिया है. It's just now I need to build something big. And awareness That's create. Awareness create करना है, marketing करना है इसको properly. हाँ. इसको बड़ा बनाना है. Wow, I can see the aspirations and everything that you have. इसको धंधा बनाना है. हाँ. We are not saying कि हम startup है. हाँ. Startup तो अब है ही नहीं. 4 साल हो गए. इसको अब धंधा बनाना है. तो मैं अगर जो टेक्नोलॉजी की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो नमिता का जब आपको ऑफर, नमिता ने ऑफर दिया था आपको, और वो फुल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे कि शी वांटेड वो टेक्नोलॉजी उनके पास आए, तो आपको क्या लगता है वो ऑफर कितना फेयर था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये मेरी आस थी 1 करोड़ रुपए फॉर 3% ऑफ द इक्विटी, वो ब्रांड के लिए थी सिर्फ, ओके. ये क्लेरिफाई मैंने आगे भी किया हुआ है शार्क टैंक पे, और पिच के टाइम पे भी किया गया था. Now, उन्होंने दिया मेरे को, एंड आई टेल यू आई वॉज अबाउट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर. अच्छा. यस, आई नो कि वैल्यूएशन कम थी ब्रांड के लिए, बट एज अ एंट्री पॉइंट एंड आई वॉन्टेड समवन एज अ मेंटर, आई वुड हैव एक्सेप्टेड, थोड़ा निगोशिएट करके, आई मीन, ओके. व्हेन ये जब क्वेश्चन आया कि मेरे को मशीनरी भी चाहिए, ओके, तब मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा, वहाँ ना बोलना पड़ा. द रीज़न उसका ये था कि 15 करोड़ की लाइन थी. लाइन से प्रोडक्ट नहीं बनती है, ओके. आपका किचन इक्विपमेंट्स होते हैं, किचन की पूरी मशीनरी होती है, ये लाइन है 15 करोड़ की. उसके बाद आप फूड फीडिंग सिस्टम होती है, वो भी कुछ करोड़ों में जाती है. पैकेजिंग लाइन होती है, वो भी करोड़ों में जाती है, ओके. यूटिलिटीज होती है, बॉयलर्स, नाइट्रोजन प्लांट्स, ये सब होता है. 60,000 square feet का मेरा कंस्ट्रक्शन है, 9 बीघा की लैंड है, ऑलमोस्ट 4.5 एकर्स की लैंड है. ये सब मिला मेरी वैल्यूएशन 35-40 करोड़ की है, ओके. नाउ हाउ कैन आई एक्सेप्ट अ ऑफर ऑफ 10 करोड़ रुपीज फॉर अ होल फैक्ट्री? सो अनरीजनेबल थी, और उसी के कारण मेरे को मना करना पड़ा उन्हें. ओके. बट अभी आपका कैसा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि जो भी हुआ इन द जब आप उस खत्म करके वो एपिसोड से आप बाहर निकले, तो कैसे फीलिंग थी आपकी? सही बताओ. हाँ. मैं 3 दिन तक सोया नहीं हूँ, एंड इट टुक मी 2 मंथ्स टू कम आउट ऑफ दिस.
बिकॉज जो रेपुटेशन लेके मैं बैठा हुआ आज मार्केट में बोथ एज अ इंडिविजुअल और एज अ ब्रांड, सो इट हैज पुट अ ब्लैक स्पॉट. ओके, और मेरे को कोई भी बंदा कुछ भी बोले आई डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग अनलेस आई टॉक विथ हिम. ओके, यहाँ पे जब अनुपम ने ये लास्ट यूज़ किया एंड वो लास्ट शब्द तब यूज़ किया जब मैं बाहर निकल रहा था टैंक में से. ओके, तब यूज़ किया. सो काफ़ी बुरा लगा था और उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगा मेरे को. उसके बाद हमने सोनी टीम को ईमेल्स किए हुए आफ्टर द शूट हमने सोनी टीम को और शार्क टैंक टीम को जो हमारे ईमेल्स थे उस पर हमने उनको ईमेल्स किए हुए कि ये एपिसोड हमारा शूट हुआ था ये डेट को, यहाँ पे ये चीज़ है. शार्क टैंक बीइंग अ मोस्ट प्रोमिनेंट शो, ओके, हाईएस्ट व्यूड शो, वी वांट कि ओनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शुड एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए. ओके, और ये जो अनुपम जी जो बोले थे, शार्क अनुपम जो बोले थे वो गलत है और इसके पीछे हमारे अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स ये है. अच्छा. कि ओलिगो फ्रुक्टोज के बारे में जो चल रहा था उसके हमने डॉक्यूमेंट, जहाँ वेंडर्स है हमारा, इज अ इंडिया टॉप वेंडर, आई विल नॉट नेम इट बट इट्स अ टॉप रेप्यूटेड वेंडर, उसका टेक्निकल डेटा शीट था विथ ऑल द एनालिसिस. FSSAI की गाइडलाइंस होती है. ओके, ठीक है, स्वीटनेस की गाइडलाइंस होती है, वो पूरे डेटा के साथ हमने सोनी टीम को भेजा गया था एंड वी आस्क्ड देम टू हैव अ कॉल विथ अस. ओके, एंड लेट्स डिस्कस, और ये पार्ट निकलना चाहिए. अच्छा, हाँ, हेल्दी डिस्कशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड इट्स फाइन. ओके, बट व्हेन देयर इज अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और ऐसे क्लेम लगाए जाते हैं विदाउट एनी बेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. एज अ ब्रांड, एज अ इंडिविजुअल, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग. वो ठीक बात है, मैंने वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरे को देनी, वो मैंने किया. उन्होंने उनका काम किया, मैंने मेरा काम किया. बिकॉज आई सॉ काफ़ी यूट्यूब पे जो ये इसका उसमें कमेंट्स में काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि यू वर वेरी काम, आप कंपोज, काफ़ी काम कंपोज थे, और काफ़ी अलग अलग तरीके के कमेंट्स है उस पर. मैं देख रही हूँ लोग कंपेयर कर रहे हैं बाकियों की ब्रांडिंग से, और मतलब पॉजिटिव फॉर यू, काफ़ी लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है और एपिसोड में. तो आप क्या बोलोगे, मतलब अब जो ये एयर हुआ है, व्हाट्स योर फीलिंग नाउ? सी, दैट्स माय नेचर. हाँ, ओके, आई विल बी, व्हेन समवन टॉक्स नॉनसेंस आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी इन रिप्लाइंग. एक बार उनको जवाब दे दिया, दो बार दिया, थर्ड टाइम आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट. ओके, जो वहाँ पे हुआ था, सो शार्क टैंक का जो एपिसोड आया उसके बाद अगेन आई वॉज डाउन. ओके, आई थॉट लोग क्या करेंगे, ओके, व्हाट विल बी माई इम्प्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला. बट विद इन टू डेज जब ये यूट्यूब पे आया हमारा एपिसोड, शार्क टैंक ने डाला, वी गॉट ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन व्यूज. ओके, ऑलमोस्ट 1100 प्लस कमेंट्स. आई डोंट रीड ऑल दिस कमेंट्स बिकॉज वो सब टाइम नहीं होता है. बट वो क्या है कि शार्क टैंक पे आने के बाद थोड़ा आपको लगता है कि दिखते लोग क्या कहते हैं. सो आई वॉन्टेड टू सी क्या नेगेटिविटी आ रही है, पॉजिटिव है, बट आई टेल यू इट्स ऑल पॉजिटिव्स, दैट्स अ बेस्ट पार्ट. ओके, लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि आप काफ़ी काम थे, पोलाइट था ये बंदा. ओके, ये खुद एक शार्क है, देयर वाज समथिंग सरप्राइजिंग. ओके, जो शार्क्स थे वो खुद इतना गलत फॉल्स मार्केटिंग करते हैं, इनको क्या सलाह दे रहे हैं. सो ये सब थी. सो कुछ लोगों ने बोला कि हमने इसके प्रोडक्ट्स खाई हुई है, दे आर वेरी नाइस, ये अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस ब्रांड को, वगैरह वगैरह. सो ओवरऑल इफ आई से इट वाज क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू, इट्स पॉजिटिव इवन आफ्टर दैट. हाँ, और हमने डिसाइड किया था वी विल गो विद द फ्लो. ओके, देन वी विल रिएक्ट. सो 10-12 दिन हो गए आज पॉजिटिविटी पे जा रहा है. कैसा है रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स? स्पाइक्ड अप, दैट इज व्हाट वी वांट, राइट? पीपल हैव कम टू आवर वेबसाइट, हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ गया, Amazon सेल्स बढ़ गए, वेबसाइट पे सेल्स बढ़ गए. जो सेल्स हम महीने में 800 के पैकेट्स करते थे, 800 बॉक्सेस, ओके, आज हम दिन के 650 कर रहे हैं. ओके, दिन के 650 ओनली फ्रॉम आवर वेबसाइट. सो वी हैव गॉट मोर देन 8x ऑफ राइज इन आवर सेल्स. दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? सो नेगेटिव पब्लिसिटी भी वर्क्स, ऑफ कोर्स, राइट? मतलब यू हैव टू पुट योर फुट राइट. और मैं नहीं बोलूंगा, सी आज शार्क्स का ओपिनियन था, दैट वाज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन, राइट? राइट. माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू स्पीक. आज इन्हें इन लोगों ने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 6000 लोगों ने घर पे मेरा प्रोडक्ट गया हुआ है, आई थिंक माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू स्पीक एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई एम श्योर मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं
एंड वही बोलेंगे। अभी आपका मोस्ट डिमांडिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है? जो मैंने शार्क टैंक पे एपिसोड में बोला था कि मैंगो कोकोनट सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, वो बिका है। और जो मल्टीग्रेन मिक्सचर्स है, सो ये जो नमकीन है जो वो काफी यूनिक है। ओके, ओट बेस्ड नमकीन, जैसे अनुपम ने बोला, अनुपम ने बोला ये तो चिवड़ा है, चिवड़े का टेस्ट। तो मैंने बोला जी हाँ चिवड़ा है, बट इसको ओट बेस्ड है, ये काफी यूनिक है। सो वो सबसे ज्यादा बिक रहा है। जनरली नमकीन ओट बेस्ड नहीं होती है, होते हैं हाँ, बट ये जो हमने लॉन्च किया है वो काफी यूनिक है। अच्छा। जी हाँ, काफी सारे रोस्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं, ओट बेस्ड आते हैं नमकीन, बट जो अगेन क्रंच, जो मैंने यूएसपी बताई। और ये आइडिया कहाँ से आई मैं आपको बताऊँ, ये आइडिया यहाँ से, ग्रैनोला जब हमने लॉन्च कराया, दो साल तक लोग बोलते हैं यार प्रोडक्ट आपकी इतनी अच्छी है बट ये स्वीट है ना, उनको ग्रैनोला का फॉर्मेट नहीं पता होता। ग्रैनोला का फॉर्मेट इज ऑलवेज स्वीटर। ओके, लोग बोलते हैं यार मीठा नहीं, कुछ स्पाइसी लेके आओ यार, इंडिया में नमकीन भर भर के बिकता है। सो मैंने बोला क्यों ना ये ट्राई करते हैं। तो हमने ग्रैनोला का ही बेस को यूज करके इसको हमने स्पाइसी वर्जन किया, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आई टेल यू बहुत अच्छी रही। कौन है आपका मेन ऑडियंस, कौन है एज वाइज और रीजन वाइज, अगर दोनों पूछूं मैं तो? सो आई विल से एज वाइज 25-40 इज आवर एज ग्रुप, पीपल हु लिविंग इन अ मेट्रो टियर वन सिटीज, दोस हु डोंट हैव टाइम, दे आर वर्किंग कपल्स और इंडिविजुअल्स, दे आर आवर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, एस्पेशली मॉम्स, वर्किंग मॉम्स आर आवर टारगेट ऑडियंस। आज मॉम्स शॉपिंग करने जाती है, ग्रोसरीज लेने ज्यादा, तो ऑफ कोर्स वो तो मेन, आवर टारगेट इज वर्किंग वुमेन्स। तो फिर मेरे को एक चीज और पूछनी है, जब जैसे एपिसोड में इवन पैकेजिंग के लिए क्वेश्चन उठा था कि योर पैकेजिंग इज नॉट अप टू द मार्क, सो व्हाट डू यू, आर यू वर्किंग ऑन इट, और व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई मीन, सो दैट पार्ट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूं तो, बिकॉज़ जब से फिट एंड फ्लेक्स लॉन्च हुआ है, वी हैव नॉट गॉट अ सिंगल नेगेटिव फीडबैक ऑन आवर ब्रांड नेम और पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स। ओके ओके, इवन हम जब फॉरेन जाते हैं फॉर ऑल द शोज, गर्ल फूड जैसे कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा फूड शो होता है, और करीबन मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पे आते हैं, लोग आके बोलते हैं कि दिस डजेंट लुक लाइक एन इंडियन ब्रांड। ओके, आपका ब्रांड नेम इज सो वेल फिट एंड फ्लेक्स, प्रोडक्ट आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी उससे फिट होता ही है, और आपका पैकेजिंग इज आउटस्टैंडिंग। ओके, एंड आई फील प्राउड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आर बीन रिकग्नाइज इन द वर्ल्ड। ओके, ये जो चीज़ हुई थी पावर रोड्स के बारे में, उसमें ये था कि जब हमारा पैकेजिंग पे काम चल रहा था, ओके, तब मेरे को शार्क टैंक का कॉल आया कि आपका, आप शूट राउंड में सिलेक्ट हुए हो और 8 अक्टूबर को आपका शूट है, तो आपको 5 तारीख को आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। सो हम सब पूरे मीटिंग करनी पड़ी, टीम मीटिंग्स हुई, सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डिपार्टमेंट से बात हो रही थी। फिर हमने सोचा कि प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, तो ये यूजुअली शोज एयर होते हैं जैन फेब मार्च में, और हमारा प्लानिंग था कि हम जैन फेब में ही इसको ओट्स को लॉन्च करेंगे। सो हमको लगा कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च, और मैंने शार्क टैंक पे बोला हुआ है कि शार्क्स में इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम ये ओट्स लॉन्च कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो एडिट हुआ है, सो दैट पार्ट डजंट कम। अच्छा, एडिट एडिट हुआ है वो पार्ट। सो हमने ये ड्राफ्ट पैकेजिंग लेके गए, हमने सोचा कि वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तभी तो आपने बनाई थी ये पैकेजिंग? जी हाँ, ये सिर्फ 2 दिन में पैकेजिंग बनाई है। ओके, वो भी जो फोटोग्राफ्स है वो शटरस्टॉक से लिए गए, तो ड्राफ्ट पैकेज यू अंडरस्टैंड, कोई भी पैकेजिंग बनाने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, और 2-3 महीना मिनिमम लगता है, इसे हम 2 दिन में बना के डिजिटल पैक्स वहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए लेके गए थे। अनफॉर्चुनेटली विनीता जी खड़े हुए और उन्होंने वही पकड़ा, सो दैट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। बट आप हमारा अभी नया पैकेजिंग देखोगे जो हमारा फाइनल लॉन्च हुआ है, इट इज एक्सीलेंट। इनफैक्ट वही मैं अभी इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ आपका, मतलब जनरली होता है ना परसेंटेज परसेंटेज में कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, इसमें आपका 71% ओट्स है, एंड पीनट बटर 16%, जागरी पाउडर 8% एंड कोको पाउडर, मतलब ऑल द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स से ही ये फुल 100% बना, दैट्स रियली गुड। मतलब आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग लेबल्स, एंड दिस इज द इंग्रेडिएंट से पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट अंदर है एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर यू, मतलब एज फार एज आई नो, दिस इज माई नॉलेज, बट दिस इज द फाइनल पैकेजिंग विच विनीता वाज सेइंग, सो दिस इज द फाइनल पैकेजिंग, राइट?
and this is so very clearly neatly written all the points. Yeah. Okay. No added sugar. Also, this is or the final high in protein. Now yes, okay. It's completely baked. No cooking required. Ready to eat. That's what we want. एंड आपने जैसे ये 18 ग्राम प्रोटीन से हाईलाइट किया है तो व्हाई बिकॉज ये दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज गुड व्हाई आई थिंक इट्स इनफ 18 ग्राम पर इट्स इनफ यस वाओ नाइस सो मैं आपसे पूछती हूँ जैसे बिकॉज यू आर आल्सो मैराथन रनर तो आप ऐसे हाउ मच कंजम्पशन ऑफ फिट एंड फ्लेक्स इज देयर इन योर लाइफ सो आई विल टेल यू अबाउट फैमिली ओके आई एम अ रनर ऑफ कोर्स आई कंज्यूम बट आई हैव अ सन ओके नाउ ही इज 6 बट वो 4 साल का था ना तब से वीक में 450 ग्राम के पैकेट्स एक खत्म करता है वो यस ही डजंट नो हाउ टू प्रोनाउंस फिट एंड फ्लेक्स एट द टाइम फ्लेक्स फ्लेक्स दो ना फ्लेक्स दो ना ओके सो इवन किड्स आर लविंग द प्रोडक्ट्स ओके सो इन माई फैमिली ऑल्सो माई किड्स बोथ द किड्स माई डॉटर एंड माई सन बोथ आर कंज्यूमिंग आई एम बींग अ मैराथन रनर एंड फिटनेस फ्रीक आई कंज्यूम थ्राइस अ वीक दिस प्रोडक्ट और मैराथन के जब मैराथन नजदीक आती है तो ऑफकोर्स वी फोकस मोर ऑन टेकिंग कार्ब्स ओके सो 15 दिन पहले फुल इंटेक होता है तभी मेरे को ये हर रोज मैं लेता हूँ सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मी ऑल्सो एंड इसका क्या मतलब है 100% नेचुरल ऑस्ट्रेलियन ओट्स सो मतलब ऐसे कुछ आर्टिफिशियल भी होता है क्या नो इट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द ओट्स ओके सो हर एक ओट्स काफी जगह पे ग्रो होते हैं यूरोप में भी होते हैं साउथ अमेरिका में भी होते हैं इंडिया में भी होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं सो ऑस्ट्रेलियन ओट्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड द प्रीमियम वंस बिकॉज ऑफ द हायर फाइबर कंटेंट सो मोर द फाइबर बिकॉज ओट्स इज ऑल अबाउट फाइबर सो हायर द फाइबर द बेटर द ग्रेन राइट ओके सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑस्ट्रेलियन ओट्स यस ओके तो बट अगर आप मैं अगर इसकी एपिसोड की भी फिर से बात करूँ तो एक चीज़ जो ऐसे अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल ऐसी कि फॉर एग्जांपल दीपेंद्र एंड अनुपम दे वर नॉट एग्रीइंग विद द प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल ऑफ दैट राइट सो बाकी का हाउ वाज द रिस्पांस फॉर नमिता एंड विनीता मतलब दे ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट की दे वर ऑल्सो अग्रीइंग टू दिस पार्ट की जो ऑलिगो फ्रुक्टोज है एंड आप जो हेल्दी आप मार्केटिंग कर रहे हो या गलत कर रहे हो सो व्हाट वर देयर ओपिनियन एट दैट प्लेस सी काफी सारा डिस्कशन हुआ था वहां पे ओके ओके एंड दीस आर ऑल पर्सनल ओपिनियंस ओके नाउ अमन सॉरी अनुपम ने जो कमेंट दिया था वो उसका ओपिनियन था अनफॉर्चुनेटली इट इज 100% रॉन्ग ओके उस बेसिस पे दीपेंद्र ने कमेंट्स दिए ओके अनुपम के कमेंट्स के ऊपर और कुछ इंटेंस डिस्कशन हुए थे जहाँ अनुपम वॉज अननेसेसरी क्रिटिसाइजिंग द प्रोडक्ट और ओट्स एज अ कैटेगरी वो ओट्स को बोल रहे थे कि हेल्दी नहीं होती इसमें ग्लूटेन होता है नाउ दिस इज रॉन्ग ओके तो नमिता जी ने बोला था कि अनुपम आप क्यों अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहे हो ओट्स आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट ग्रेन एंड इट्स अ नेचुरली ग्लूटेन फ्री और मेरे को नमिता जी ने बोला पथिकार उनको बोलो पर मैं ऑलरेडी 2-3 बार उसको समझा चुका हूँ वो नहीं समझने को तैयार नहीं थे ओके फिर वो पॉइंट खत्म हुआ उसके बाद और एक क्रिटिसिज्म आया कि इसमें कार्ब्स होते हैं ओके तो विनीता ने उनको जवाब रिप्लाई दिया कि यार अनुपम हर एक प्रोडक्ट्स में कार्ब्स होते हैं यू इट एनीथिंग रोटी में भी होते हैं चावल में भी होते हैं हर एक प्रोडक्ट्स में कार्ब्स तो होती है विद ओनली प्रोटीन से आप नहीं जी पाओगे यू नीड ऑल द माइक्रोज करेक्ट राइट कार्ब्स चाहिए प्रोटीन चाहिए फैट्स चाहिए सब कुछ चाहिए आपको और ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाए जाते हैं फॉर गुड कार्ब्स राइट ओके वी एज अ रनर मैं खुद एक रनर हूँ राइट तो मैं भी ग्रेनोला खाता हूँ मैराथन्स के पहले बिकॉज इट गिव्स यू कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं इससे तो दिस वाज ऑल द डिस्कशन बीइंग हैपन वेरी इंटेंस डिस्कशन हुआ है वहाँ पे बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट फाइनल एडिट्स में नहीं दिखाया है अच्छा सो इवन डू यू रिमेंबर एनी पार्ट ऐसा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था और जो एक्चुअली ओमिट हुआ है और नहीं दिखाया सो फॉर एग्जांपल एक मेरा स्टेटमेंट दिया गया था कि 100% हेल्दी इंडिया में नहीं बिकता है लोगों को फ्राई चाहिए शुगर चाहिए सब कुछ चाहिए राइट ना उसके पीछे का रीजन ये था उसके आगे का स्टेटमेंट मेरा ये था कि इंडिया में टेस्ट इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू इंडियन कंज्यूमर्स ओके एंड हेल्थ इज अ सेकेंडरी पीपल और कंज्यूमर टुडे दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द हेल्थ बट दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेस्ट एंड दैट इज अ फैक्ट ओके उसके पीछे ये स्टेटमेंट दिया गया हुआ है मेरा और वो नहीं दिखाया गया है
और वो स्टेटमेंट भी मेरा एंड में है, ओके तो ये स्टेटमेंट उन्होंने एडिट करके एडजस्ट किया हुआ है. सो नाउ दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है. तो जो आपने NCR, मेल्स... ये फैक्ट है, हेल्थ 100% हेल्दी नहीं बिकता. आज ओट्स देख लो आप, मसाला ओट्स क्लासिक एग्जाम्पल है, ओके ओट्स आर 100% हेल्दी बट इंडिया को टेस्ट चाहिए, ओके मसाला. अब मसाला डालो तो 100% हेल्दी नहीं होगा. हाँ मतलब ये मैंने इवन आई हैव वो 10-20% आपका अनहेल्दी हो जाता है. आई हैव सीन द वीडियोस जहाँ पर ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके सामने फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट लिखा है कि फॉर एग्जांपल इट हैज़ हेजलनट और बैक में अगर आप देखोगे प्रमोट वो उसके फ्लेवर हेजलनट से हो रहा है पर बैक में इंग्रेडिएंट में हेजलनट ही नहीं है. तो देर आर एक्चुअली मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ब्रांडिंग पोर्सेस से होती हैं बट इंडिया में टेस्ट हाँ इम्पोर्टेंस एंड सेकंड इज द प्राइस एंड आप एनी विच वेज टेस्ट भी दे रहे हो और साथ यस एंड फिट एंड फ्लेक्स इज अ ब्रांड आपको टेस्ट भी दे रहा है, हेल्थ भी दे रहा है, क्वालिटी भी दे रहा है और रीजनेबल प्राइसिंग में भी दे रहा है. बट आप रीजनेबल कैसे कर रहे हो प्राइसिंग बिकॉज योर मशीनरी आर सो कॉस्टली. आप प्रोडक्ट्स मतलब जो इवन जो रॉ मटेरियल है आप फ्रॉम यू नो फ्रीज ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग दे ऑल आर वेरी कॉस्टली. सो आप उसको रीजनेबल कैसे बनाते हो फॉर द फाइनल कंज्यूमर. सो सी इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स चॉकोज है हाँ. उसमें बहुत फर्क नहीं रहा, 19-20 का डिफरेंस होने वाला प्राइसिंग में प्रोडक्ट हाँ. में म्यूजली और ग्रेनोला हर एक ब्रांड का डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे है. ओके नाउ आप ग्रेनोला देखोगे ना तो वो 650 रुपये किलो से लेके 1500 रुपये किलो भी बिकता है मार्केट में. तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ब्रांड्स क्या यूज करती है. ठीक है वी आर इन द मिड रेंज कंसिडरिंग कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है फिर भी वी हैव कैप्ट अ प्राइस विच इज अफोर्डेबल टूडे. ओके अराउंड 900 रुपीज अ किलो और आज 275 ग्राम्स का जो हमारा 265 रुपीज है. ग्रेनोला में वी आर क्वाइट कंपेटिटिव और रीजनेबल प्राइसिंग है. इनफैक्ट यू सेड आप अभी यूएई में भी मार्केट यूएई में भी लॉन्च कर रहे हो अपना. हमें ऑलरेडी दुबई में लॉन्च हो चुका है, एक साल हो चुका है और हम करीबन अभी 800 से 900 स्टोर में अवेलेबल है. मेजर आउटलेट्स में हम लोग हमने अभी मॉलदीव्स भी स्टार्ट किया 4-5 महीने बैक. मॉलदीव्स भी वी आर ऑलमोस्ट कवर्ड. सो एक्सपोर्ट डिमांड तो बहुत है ऑफकोर्स. ओके प्रोडक्ट ही हमारी यूनिक है. मेरी बेंचमार्क प्रोडक्ट्स ना केलॉग्स है, ना नेस्ले है, ना बेगरीज है, ना टाटा है. मेरी बेंचमार्क प्रोडक्ट जापानीज प्रोडक्ट है, द ब्रांड कॉल्ड केल्बी. ओके वही मेरी बेंचमार्क है. हमारी दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है, हमारे प्रोडक्ट्स सेम है. और ये चीज आई वॉज फीलिंग प्राउड व्हेन इस गल्फ फूड में गया था तो एक यूरोपियन था बोलता है दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट, दिस केल्बी प्रोडक्ट. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस दिस इज व्हाट आई वांटेड. ओके सो या दैट मेक्स मी फील प्राउड कि एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई है मैंने. बट अब क्या विजन है आपका, अब नाउ वेयर डू यू वांट टू टेक इट अहेड. सी वी विल कैपिटलाइज दिस शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म. इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. वी हैव गॉट 15-20 मिनट ऑन द नेशनल टेलीविजन. या ऑफ कोर्स इट्स ह्यूज ऑफ कोर्स एंड वी आर टेकिंग दिस होल एपिसोड एज अ पॉजिटिव. ओके एंड वी विल गिव और शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू आर कंज्यूमर्स. और इसी को लेके हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे. ओके और नई नई प्रोडक्ट्स और बेटर प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करते जाएंगे. ट्राई किया था मैंगो कोकोनट फ्लेवर. इट्स अमेजिंग. मतलब एक्चुअली वो जो वो क्रंच पार्ट बोल रहे हो टेस्ट पार्ट बहुत क्रेजी है. मतलब आई पर्सनली रियली लव्ड एब्सोल्युटली. सो दैट्स देयर. एंड इनफैक्ट मेरे को जैसे आपने भी एक मुझे ऑल ऑफ अ सडन वो प्रोसेस कर रही हूँ मैं आपका शार्क टैंक का पूरा दिस थिंग. तो एक चीज और ध्यान है कि आपने जैसे अभी ईमेल्स का बोला बट ऐसे फिर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया. हाउ वाज इट. 3 रिमाइंडर्स दिए, 3 टू बी प्रिसाइज. 16 अक्टूबर को पहला ईमेल है मेरा. ओके दिवाली के जस्ट बी नवंबर 1st week इफ आई रिमेंबर. दूसरा रिमाइंडर दिया है हमने और नवंबर एंड में 3rd रिमाइंडर दिया है उनको. They don't reply. And Achha. unfortunately, it's because उनको content मिल गया now. TRP के लिए. And that was very sad. I was expecting कि वो last part edit कर देंगे because हमने पूरे data share किए उनके साथ which are the correct ones. Okay. And unfortunately उन्होंने नहीं किया. That's hard luck. What was your family's and close friends' response when they saw it? Of course they were sad. Haan. Okay. पूरा episode अच्छा जा रहा था. Just जो last part आया
एवरीथिंग एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, सडनली ये बात कहाँ से आ रही है. एंड एवरीवन फेल्ट दैट ही वाज वेरी अनरीजनेबल एट दैट पार्ट. ही शुडंट हैव सेड दोज वर्ड्स. ही हैड टू बी रीजनेबल. इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना दैट सेकेंडरी, बट इट एक्चुअली बिकेम रियली ऐसे कॉम्प्लेक्स. वो इतने डिस्की वो इधर जो डिस्कशंस हो रहे थे व्हेन इट केम टू द कि आपका कॉटन इंडस्ट्री, आप इसमें आप फिर इसके पार्ट होने वाले हो कि आप इसका सेपरेट ब्रांड बना रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट. सो काफ़ी मेसी हो गया था कि एक नॉर्मल उसको भी शायद ना समझ आए. तो वॉट वॉज द होल आइडिया बिहाइंड इट? आई थिंक इट वॉजन कॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज वेरी सिंपल. हाँ जी हाँ, मेरा दूसरा बिजनेस था, दैट्स अ डिफरेंट. ओके, और वो मेरा ऑटो मोड में चल रहा है. ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर पीपल. इट्स अ टीम वर्क राइट अल्टीमेटली. तो टीम तो करती है, काम करती रहती है. मेरा फोकस वहाँ पे ही बोला था, मैं मोर देन 95% मैं फिट एंड फ्लेक्स पे दे रहा हूँ बिकॉज इट्स माई न्यू बेबी. ओके, इसको 4 साल नहीं और 5 साल मेरे को देने पड़ेंगे इसको. सो आई नो दैट थिंग. सो मेजोरिटी टाइम मेरा फिट एंड फ्लेक्स में ही जा रहा है. ओके, सो इट वॉज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. Second thing, our company is LLP. It's okay. A limited liability partnership. So when you go for any investment, okay, or a funding, it has to be a limited company or a private limited company. Achha. So आपको और नई कंपनी बनानी पड़ती है जो private limited होगी. तो वो आई थिंक निवा न्यूट्रीफूड्स private limited बनेगी. और जो फिट एंड फ्लेक्स का जो धंधा है मेरा ब्रांड का, वो उसमें शिफ्ट होगा. और जो फंडिंग देंगे या शार्क्स देते या कोई VCs देते या प्राइवेट इक्विटी देते हैं, तो वो नई कंपनी में आएगा. सो दैट इज फेयर इनफ. दैट वाज नो रॉकेट साइंस. इट वाज वेरी क्लियर. ओके, या ओके, वाओ. आई मीन गुड टू नो, बट इट्स की आप एंड आई एम ग्लैड दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं भी आपको एक प्लेटफॉर्म अपनी साइड से दे पाई जिसमें यू कुड ऑल्सो एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस ड्यू फॉर द एपिसोड. बट सुपर अमेजिंग. आई एक्चुअली वॉन्ट टू आस्क यू नाउ बिकॉज यू हैव सो मेनी गुड, सो मेनी ग्रेट बिजनेसेस और फिट एंड फ्लेक्स इज वन सच बिजनेस जो आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो. तो अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ और किस एक एक जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनको अगर आप कुछ टिप देना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? एंड बिकॉज दिस इज द मार्केट दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू. सो माय सिंपल एडवाइस इज इफ यू हैव अ आइडिया and if you know that it's really nice, don't share it with the fools. Okay, just work on it, execute it correctly, okay, and keep patience. And patience is a key. Wow. For young entrepreneurs, as patience nahi hai. And I think that's a key. So execution and the patience is gonna be a key to any successful entrepreneurs. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. वो आता है ना कि चलो यार आज ये स्टार्ट करता हूँ, नहीं 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 दे तो बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट कुछ और स्टार्ट करता हूँ. ये एक थॉट प्रोसेस एक्चुअली बहुत रहती है. सुपर, थैंक यू सो मच. आई मीन सुपर अमेजिंग सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोडक्ट्स. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच.